नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली के डाटा को क्या पेन ड्राइव से यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पोर्टेबल हार्ड डिस्क सही रहता है टैली के डाटा को रन करने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जानेंगे दोनों में से क्या सही है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि अपने टैली के डाटा को पेन ड्राइव से रन करते हैं। पेन ड्राइव से रन करने का मतलब है कि वो डाटा जो मेन डाटा होता है वो पेन ड्राइव में ही होता है, और जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो फिर वो टैली में डायरेक्टली पेन ड्राइव का जो डायरेक्टरी होती है उसका जो पाथ होता है वो टैली में डाल के और डायरेक्ट पेन ड्राइव से ही रन करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्चुअल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि टैली का डाटा स्लो हो जाता है। जब भी आपकी प्रोसेसिंग होगी, कुछ कमांड करोगे इनवाइस को या किसी वाउचर को सेव करोगे या अपलोड करोगे कंपनी को, तो उसका प्रोसेसिंग स्लो रहेगी। रीज़न ये है कि उसका जो मेमोरी बहुत कम है और वो आपने एड ऑन किया हुआ है, एक तरह से टेम्प्रेरी एड ऑन है, USB के थ्रू आपने उसको ऐड किया हुआ है, तो उसमें मेमोरी कम है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएगा। चाहे पेन ड्राइव आपकी ज़्यादा GB में क्यों नहीं है, TB में क्यों नहीं है, अगर ज़्यादा उसकी मेमोरी ज़्यादा है TB में है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज वो स्लो रहेगा। तो दूसरा जो इसका पॉइंट आ जाता है वो आता है कि इसमें डाटा करप्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपका पेन ड्राइव डिस्कनेक्ट हो गया और आप टैली में काम कर रहे हैं और आपका पेन ड्राइव गिर गया या किसी भी रीजन की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया और आपका टैली चल रहा था, तो डेफिनेटली आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, 60% चांसेस है करप्ट हो जाएगा, उसकी फाइल जो ट्रांजेक्शन फाइल है वो उसकी करप्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको पेन ड्राइव को लगा के आप डाटा को रन मत करिए, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अगर आपके पास पूरी उसके बैकअप्स वगैरह आप टाइम टाइम ले रहे हैं, जैसे काम किया आपने बैकअप ले लिया और आपको लगता है कि नहीं अगर अभी डाटा करप्ट हो जाएगा तो मैं बैकअप से काम चला लूँगा, तो फिर आप उसका रिस्क ले सकते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा टैली बहुत स्लो चल रहा है, लोड कंपनी लोड होने में टाइम ले रहा है, तो डेफिनेटली वो लेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप पेन ड्राइव से रन करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ओके, तो दूसरी बात आ जाती है कि क्या पेन ड्राइव की जगह हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। वो होता क्या है कि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी यूज होती है, तो उसमें थोड़ा कम प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर वो भी आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया या ब्रेक हो गया कहीं पे भी, तो आपका टैली चल रहा है, डाटा ऑलरेडी रन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें भी 60% चांसेस, 60-70% चांसेस उसमें भी हैं कि वो आपका करप्ट हो जाएगा। ओके, तो उससे बढ़िया यही है कि आप उसको एक सिस्टम में ही रखिए जहाँ से कि उसका डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आपका टैली चल रहा है और आपका सिस्टम सडनली बंद हो गया, तो वो चाहे आपके लोकल डिस्क में जो आपके कंप्यूटर की लोकल हार्ड डिस्क है उसमें डाटा है या फिर कहीं पे भी डाटा है, तो उसके करप्ट होने के चांसेस 50-50% हो जाते हैं। जैसे कि आपकी जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और आपका सिस्टम में बैकअप नहीं है और आपका टैली चल रहा था और आप काम करते टैली में और आपका सिस्टम सडनली बंद हो गया, तो उसमें भी चांसेस हो जाते हैं डाटा करप्ट होने की। ओके, तो दोस्तों ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पेन ड्राइव से डाटा रन मत करिए अगर आपका इम्पोर्टेंट डाटा है तो। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये नॉलेज आपके काम की होगी, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।